हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रबर प्लांट के बारे में बात करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स देखें, ये रबर प्लांट है फ्रेंड्स, और देखें ये सब रबर प्लांट है फ्रेंड्स। तो मेरे पास तीन तरह का रबर प्लांट है फ्रेंड्स। देखें, अभी इसमें बहुत गंदे पड़ गए हैं, मैंने इसे अभी वाश नहीं किया है, कुछ दिन पहले वाश किया था। तो ये मेरे ब्लैक वाले रबर प्लांट है फ्रेंड्स, देखें अभी बहुत छोटे से हैं, मैंने अभी इसे तुरंत ही लगाया है फ्रेंड्स। और ये मेरे हरे वाले रबर प्लांट्स हैं जो लोकल आपको कहीं भी मिल जाएंगे फ्रेंड्स, देखें। और ये मेरे जो हैं ये वेरीगेटेड रबर प्लांट है फ्रेंड्स, अभी मैंने इसे छांव में रख दिया है, तो थोड़ा इसका जो पत्ता है वो पूरा अभी खिल के नहीं आया है, लेकिन देखें फ्रेंड्स ये वेरीगेटेड हैं, देखें देखें। और ये हरे वाले का मदर प्लांट है फ्रेंड्स, तो एक प्लांट देखें इसके कितने मोटे थीक हैं, ये करीब 8-10 साल पुराने हैं फ्रेंड्स, देखें कितने मोटे इसके हैं। और ये कितने बूसी मैंने इसको कर दिया है फ्रेंड्स, ये बहुत लंबे हो गए थे तो मैंने इसे यहाँ से कट कर दिया था, और देखें इसमें कितने सारे ब्रांच आ गए हैं। और इसी का कटिंग मैंने फ्रेंड्स यहाँ भी लगाया था, ये भी हरे वाले हैं, तो ये भी देखें 4-5 फीट के भी हो गए हैं फ्रेंड्स। और इसी का कटिंग मैंने फिर यहाँ लगाया था, ये सब हरे वाले हैं, तो ये भी कटिंग चल पड़े हैं फ्रेंड्स, देखें। तो आप कटिंग से प्लांट को आप बढ़ा सकते हैं। और ये ब्लैक वाला है, तो इसे मैंने 2 महीना पहले ही परचेज किया है फ्रेंड्स, तो ये मेरे पास नहीं था, तो ये भी अब लग गए हैं। और ये वेरीगेटेड है फ्रेंड्स, तो देखें ये भी बहुत बूसी हैं, देखें ये भी बहुत मेरे 3-4 साल पुराने प्लांट हैं फ्रेंड्स। तो रबर प्लांट आप लगा सकते हैं, ये ऑक्सीजन से भरपूर हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये आउटडोर भी हैं और इनडोर भी हैं फ्रेंड्स। ये आपको यदि आप रूम में रखते हैं तो जितने भी आपके रूम के जितने भी गंदगी हवा दूषित है वो सबको ये ऑब्जर्व कर लेते हैं फ्रेंड्स, और आपके हवा को शुद्ध कर देते हैं, आपके रूम को एकदम फ्रेश कर देते हैं फ्रेंड्स। तो इसे रूम के अंदर लगाना चाहिए, मेरे पास रूम में अंदर फ्रेंड्स ऑलरेडी बहुत सारा प्लांट लगा हुआ है, तो मैंने इसे अभी बाहर ही निकाल दिया है फ्रेंड्स। और मेरे पास बहुत सारे हैं, और बहुत सारा मैंने कटिंग माट भी दिया है फ्रेंड्स, देखें मैं कितना कटिंग क्या करूँगी। तो मैंने जो भी कटिंग होता है काटती हूँ तो दे देती हूँ किसी किसी को कि वो लोग भी अपना इसे लगाएँ। तो इसका तो मैंने एक ही प्लांट रखा है, इसका कटिंग मैंने ज़्यादा नहीं लगाया है, देखें इसको भी मैंने कट किया था फ्रेंड्स, देखे जैसे यहाँ से कट किया था तो इसमें से 2 ब्रांच निकले हैं फ्रेंड्स, जैसे देखे मैंने यहाँ से कट किया था तो यहाँ से फिर 2 ब्रांच निकले हैं। और मैं फिर यहाँ से प्रून कर दूँगी फ्रेंड्स, इसे मैं इसे पिंच कर दूँगी तो फिर यहाँ से 2 ब्रांच निकल जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने डिवाइड किया है फ्रेंड्स, जैसे देखें मैंने यहाँ से इसे पिंच किया तो यहाँ से तो अभी एक ही ब्रांच निकले हैं फ्रेंड्स, लेकिन एक ब्रांच इधर साइड से निकले हैं थोड़ा नीचे से, तो इसको भी मैंने बूसी बना रही हूँ फ्रेंड्स कि। और ये तो भी बहुत ब्लैक वाले छोटे हैं, तो ये थोड़ा और बड़े होंगे तो मैं इसे भी पिंच कर दूँगी, थोड़ा सेट हो जाए, अभी मिट्टी में ये पूरी तरह से सेट नहीं हुए हैं, 2 ही महीना भी लगा हुआ है फ्रेंड्स। तो आप लोग भी रबर प्लांट लगाएं, ये ऑक्सीजन से भरपूर हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छे, और कोई केयर की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ये कटिंग से लगते हैं, ऐसे तो लोग कहते हैं एक पत्ते से भी लगते हैं, लेकिन मैंने कभी पत्ते से नहीं लगाया है फ्रेंड्स, मैंने जो भी लगाया है कटिंग से लगाया है, और मैंने बराबर इसे पिंच करते गया है, तो मैंने इसे ज़्यादा बड़ा नहीं रख रही हूँ, पहले ये बहुत लंबे थे, 10-11 फीट के हो गए थे, तो मैंने इसे कट करके और इसका कटिंग भी लगाया और पिंच भी कर दिया, तो ये बूसी होते चले गए हैं। तो रबर प्लांट घर में लगाना चाहिए फ्रेंड्स, लोग कहते हैं दूध वाला प्लांट नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जो रबर प्लांट है इसे लोग लगाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे बेनिफिट हैं इस प्लांट में। और मिट्टी फ्रेंड्स ये किसी भी मिट्टी में लग जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे बारिश में रख दें, पूरे धूप में रख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। धूप में हाँ थोड़ा सा इसके पत्ते बर्न हो जाते हैं उस समय, लेकिन फिर ये ठीक हो जाते हैं फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, फिर नए नए पत्ते निकल आते हैं बारिश के मौसम में, मई जून में थोड़ा सा इसे आप शेड में रख सकते हैं यदि आपके पास जगह है तो। मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारा प्लांट है, कितना प्लांट मैं रखूँगी फ्रेंड्स शेड में, तो मैं इसे धूप में ही रखती हूँ, थोड़े पत्ते बर्न होते हैं लेकिन फिर वो पत्ते झर के नए नए पत्ते निकल जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसकी केयर की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इसकी केयर नहीं है फ्रेंड्स, आप छोटे से छोटे पॉट में लगा दें, बड़े से बड़े पॉट में लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है इसे। तो आप लोग भी इसे लगाएं फ्रेंड्स, और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें फ्रेंड्स। थैंक यू।